एक बार एक बच्चे ने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखा, तो उसे लगा कि उड़ने के लिए कीड़े मकोड़े खाना जरूरी होता होगा। तो उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उनका घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया और उसके उड़ने का इंतजार करने लगा। वो दोस्त उड़ तो नहीं पाया लेकिन बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मम्मी से उस बच्चे को डांट सुननी पड़ी। पर किसी को क्या पता था कि एक दिन ये सनकी लड़का विश्व विख्यात वैज्ञानिक बनेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने हजार विफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और प्रयास करते करते बल्ब का आविष्कार कर डाला। उनके हिसाब से सफलता निश्चित है अगर आप एक बार और प्रयास करो तो। एक बंदा ट्रेन से जा रहा था, अचानक से टीटी आया, उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का IQ लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=MC² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। वर्ल्ड के चार मोस्ट सक्सेसफुल अरबपतियों की चार ऐसी हैबिट्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये लोग पहुंचे हैं। पहली हैबिट मैंने ली है SpaceX, टेस्ला और सोलर सिटी जैसी कंपनीज को ओन करने वाले एलोन मस्क से, एंड दैट इज टाइम ब्लॉक। वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो पूरे दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे ताकि हर एक 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। गाइज, रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाकी बची हुई 3 हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टीकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी शर्ट को उसने $2000 में बेचा। Yes, I'm talking about the great player Michael Jordan। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रस्ते अपने आप निकल आते हैं। अपनी लाइफ की तीसरी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है वो है स्पेंडिंग टाइम ऑन योरसेल्फ। गाइस, अपने लिए समय निकालना बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट इससे आपके आसपास के लोगों का भी भला होता है। जरा आप सोचिए कि खाली कब से आप किसी को क्या दे पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, माइंड को क्लीन करिए और अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। एक हैप्पी, वाइब्रेंट और गिविंग लाइफ के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप दूसरे लोगों का ज्यादा भला कर पाओगे। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। साल 2020 हमारी जिंदगी में शायद उन सालों में से एक होगा जो भुलाई नहीं भूले, लेकिन 16 मई 2020 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे शायद इस घटना के बाद 2020 आपके लिए मेमोरेबल साल बन जाए।
होगा कुछ यूं कि साइंटिस्ट के हिसाब से विनस, मून एंड जुपिटर तीनों कुछ इस तरह से स्पेस में अलाइन होंगे कि हमें आसमान में स्माइली दिखेगा। शायद हमारी जिंदगी में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी हो रखी है, जो नेचर के थ्रू हमें 16 मई 2020 को दिखने भी वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अरे यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्ब ऑन करना जरा। अरे हाँ, अब हो गया। आप लोग क्या लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ? आने वाले टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली है जब आप सिर्फ एक बल्ब ऑन करोगे और आपका नेट चल जाएगा। आज के टाइम पे आप लोग इंटरनेट चलाते होगे वाईफाई को ऑन करके, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आ गया है वाईफाई को रिप्लेस करने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। एक्चुअली वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, और जिससे जो डेटा आप लोग ट्रांसफर करते हो, बेसिकली इंटरनेट का मतलब ही डेटा ट्रांसफर है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। लेकिन लाईफाई से, यानी कि लाइट फिडेलिटी से जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो ज्यादा सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा स्पीड से भी होगा। और इस टेक्नोलॉजी को देने वाले का नाम है हेरोल्ड हस। तो बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी, और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी बनती है। वर्ल्ड के 4 बड़े अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 2 मैंने ली है वर्ल्ड के 3rd richest पर्सन और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक बड़े आइडिया को हाँ कहते हो तो आपको 100 छोटे छोटे आइडियाज को ना कहना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हर इंसान एक ही समय में बहुत सारी चीजों पर फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए किसी एक आइडिया पर फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपने पूरे दिन में 80% समय में बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी बची हुई हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब वो महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था, और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। सन 1895 में जब पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक ने सपना देखा कि इंसान आसमान में उड़ेगा, तो लोग उसका मजाक उड़ा के कहा करते थे कि तुम पागल दिखते तो नहीं हो, लेकिन पागल हो जरूर। फिर भी उसने अपने सपने पर विश्वास रखा, पूरी मेहनत की और भारतीय वेदों की सहायता से दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया भी, और उसे मुंबई की चौपाटी पर 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया भी, और उसे सुरक्षित लैंड भी करवाया। और ये काम उसने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास के पन्नों पर उसका नाम तक दर्ज नहीं। लेकिन आज ये बताने का वक्त आ गया है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज एक भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया था, जिनका नाम है शिवकर बापूजी तलपदे। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था, तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया, कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यू ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते क्यों?
ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है, ध्यान से सुनिएगा। उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइज, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 3 मैंने ली है दुनिया के सबसे युवा अरबपति और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ओनर मार्क जकरबर्ग से। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देने में बिलीव रखता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और अपने आप को चैलेंज देने के बाद मैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। रिसेंटली उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि वो हर दिन 1 मील दौड़ेंगे, हर 1 वीक में 1 बुक को पूरा करेंगे और चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन को सीखेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप में से कितने लोग अपने आप को चैलेंज देते हैं और उसे पूरा करने में अपना पूरा दम लगा देते हैं। सो गाइज, बाकी बची हुई एक हैबिट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हरा कर ये साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फक्र से ऊंचा किया। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मॉन्क बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मॉन्क की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी, इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई विल टेल यू। सुनने में तो ये भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं, इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइज, जो भी चीज आप चाहते हो ना उस पे कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है, और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड। एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ, तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेटर से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है, तो उस महिला वेटर्स ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है, तो उस महिला वेटर्स ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेटर्स प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइज, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइज, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए। गाइज, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का,
रियलमी का या फिर वन प्लस का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है बीबीके, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डोन योंग पिंग। है ना कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1,00,000 रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1,00,000 रुपी लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नरक सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल ये है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। एक 15 साल की लड़की जब दिल्ली के खान मार्केट में एक बुक स्टोर में काम करने के लिए जा रही थी तो एक तरफा प्यार में पागल एक 32 साल के सरफरे ने सिर्फ इसलिए उस पर एसिड अटैक कर दिया क्योंकि उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। नीचे गिरने के बाद उसकी स्किन प्लास्टिक की तरह लटकने लगी। जैसे तैसे करके पास में खड़े इंसान ने उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर पहुंची और उसने पहली बार मिरर देखा तो वो घबरा गए। उसे सुसाइड करने का मन हुआ लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और एक दिन तुम इसी चेहरे से अपनी पहचान बनाओगे। उसके बाद वो लड़की कभी रुकी नहीं। उसने एसिड अटैक्स को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की जिससे एसिड की सेल खुलेआम ना हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी अग्रवाल, क्योंकि उसने मेरा चेहरा जलाया, मेरे सपने नहीं। जिसने इस अटैक के बाद कहा था कि उसने मेरे चेहरे पे अटैक किया है, मेरे सपनों पे नहीं। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते।
हाँ अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा, सही है, गलत नहीं है। लेकिन उसे ये भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व है, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। एक गांव में गोलियत नाम का एक विशाल काय राक्षस था। गांव वाले इतना डरते थे कि दिन में भी उसके नाम की दहशत थी। एक बार उस गांव में 17 साल का डेविड नाम का लड़का आया। उसने गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस को मार क्यों नहीं देते, तो गांव वालों ने जवाब दिया कि उसका शरीर देखा है, इतना विशाल काय राक्षस है, इसे मारना हमारे बस की बात नहीं है। तो डेविड ने जो जवाब दिया वह आप लोगों को सुनना चाहिए। डेविड ने कहा कि हकीकत यह नहीं है कि वो विशाल काय है इसलिए हम उसे मार नहीं सकते, जबकि हकीकत यह है कि जब हम उस पे निशाना लगाएंगे तो हमारा एक भी निशाना चूकेगा नहीं, क्योंकि उसका शरीर विशाल काय है। ये सब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम को लेके आपका नजरिया ये है कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका नजरिया ये है कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने M&M के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको YouTube पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है, और शायद अब कभी वो वापसी नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई, और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी, और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना, और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया, और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं, और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते, और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें, मैं आपको बताता हूं। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है, और उसके मन में कोई डर का गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है।
वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोज को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोज उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। अरे सर्जन सर्जन गाइज, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 6 times वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 times एशियन वुमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज, बिलीव इन यू, क्योंकि जिद है तो जीत पक्की। गाइज, आप लोगों ने एक बॉल पे क्रिकेट में 6 रन तक तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक बॉल पे 286 रन किसी ने बना लियो? पर ये सच है, क्रिकेट इतिहास में 1894 में ऐसा हुआ है। एक्चुअली एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में, जिसमें विक्टोरिया के एक बैट्समैन ने बॉल को उड़ा के मारा। तो जैसे ही बॉल को मारा, वो बॉल एक्चुअली ग्राउंड में ही एक पेड़ पे अटक गई और एक्चुअली वो बॉल सारे के सारे खिलाड़ियों को विजिबल भी थी। अब वहां पर तब रूल ऐसा था कि अगर बॉल सभी खिलाड़ियों को विजिबल है तो आप रन ले सकते हैं। जब तक बॉल को उतारा गया, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 286 रन भाग लिए थे। है ना अजीब? आप लोगों को ये घटना कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे, जिससे धातु थरथर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ी ली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गटगट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए, तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा था कि सब कुछ रियल लगे। उसने इस करेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ओस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा।
एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया। जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। एक घंटा नाचे, दो घंटा नाचे, तीन घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं दो बातों पे बिलीव करता हूं। पहला, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना जाए। यहां सीखने लायक बात ये है कि पहला अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती। पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया। लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिएस्टर बेचने की कंपनी शुरू की, और देखते ही देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली। और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस, और बंदे का नाम था धीरू भाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो छठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइज, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। जब वो कोलंबिया में पढ़ रही थी तो जहां वो रहती थी वहां पर एक पिज्जा शॉप थी, जहां से ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सिर्फ पिज्जा पिज्जा और पिज्जा ही खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ के 96 किलो हो गया था। लेकिन वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अपने आप को देखते हुए कहा कि ऐसे शरीर के साथ कम से कम वो हीरोइन तो नहीं बन सकती। उसके बाद उसने सोचा कि शरीर का कुछ करना पड़ेगा। सो उस पिज्जा शॉप के पास एक विटामिन का शॉप था जहां से हेल्दी फूड मिलता था। तो उसने अपने फूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया, कार्ब्स लेना कम कर दिया, कार्डियो करना शुरू किया, और देखते ही देखते उसने अपना वजन घटा के 96 किलो से 48 किलो कर लिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, जो आज के समय बॉलीवुड में मोस्ट इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से एक है। पर आप क्या जानते हैं कि सारा अली खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है विल पावर। अगर आप एक बार किसी चीज को अंदर से ठान लो तो फिर आपको उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप में वो विल पावर है? मात्र 40 दिन के एक छोटे से बच्चे को मैंगलोर से बेंगलोर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जल्द से जल्द शिफ्ट करना था। हवा के रास्ते नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि हवा के दबाव को वो छोटा सा बच्चा शायद सहन ना कर पाता। इसके लिए बचा था सिर्फ और सिर्फ सड़क का रास्ता। और इस मुश्किल काम को करने के लिए कर्नाटका की जनता और ट्रैफिक पुलिस ने पूरा साथ दिया। पूरी तरह से सड़क को जीरो ट्रैफिक बना दिया गया और बाकी बचे हुए काम को हनीफ भाई ने किया। हनीफ भाई ने 360 किलोमीटर का रास्ता, जो कि 8 घंटे में तय होता, उसे सिर्फ 4 घंटे में तय करके बच्चे की जान को बचाने में पूरा साथ दिया। गाइस, वो कहते हैं ना कि बचाने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि पैदा करने वाला। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस, कर्नाटका की जनता, डॉक्टर्स और हनीफ भाई को मेरी तरफ से सलाम।
जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और ये रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे उसी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइज, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइज, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्डवर्क पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ ही दोगे। क्रिकेट के लिए उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया, लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।